जय गुरु जी संगत जी, मैं अशिता एडमिनिस चैनल की, गुरु जी की कृपा से आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। गुरु जी की कृपा है कि लाख लाख शुक्राना उन्होंने मेरी लाइफ बख्शी है। पर एक जनवरी की बात है, कुछ हम जैसे आंटी के घर सत्संग पे गए थे 1 जनवरी गुरु जी के साथ मनाने के लिए। बस घर पर आए तो घर पर जैसे आए ना, कुछ बात को लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, जिससे गुरुजी की ब्लेसिंग ना ऑलमोस्ट मुझे लगा ख़त्म हो गई। मैं गुरुजी के सामने इतना रोई कि गुरुजी आपका सत्संग इतने अच्छे से अटेंड करके और घर पे इतना क्लेश क्यों, किस वजह से? हमें नहीं पता कि ये सब करके वो हमारा क्या काटना चाहते हैं, वो ही जानते हैं। बस 4-5 दिन बाद जैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स घर पर नहीं थे, मैं और मेरी सिस्टर ही घर पर थे। हमने सोचा कि चलो किचन में जाके चाय वगैरह बनाते हैं। 4 o'clock का टाइम था, किचन में गए, चाय रखी। चाय बनाने के बाद एक्चुअली ना कप सर्व करते हैं ना चाय डाल के, तो मैंने गैस ना सिम कर दी और मैं चाय सर्व करने चले गई अंदर अपनी सिस्टर वगैरह को। तो जैसे सिम हुई ना, गैस ना बंद हुई, मैं आई किचन में, मुझे लगा गैस बंद है, चलो मैं भी ध्यान से उतर गया, पर वो एक्चुअली सिम पे थी और वो ऊपर से बुझ चुकी थी। 4:50 का टाइम था, हम किचन में दोबारा गए। 50 मिनट्स तक संगत जी, हम मानोगे नहीं, गैस ऑन थी और ना कोई स्मेल गैस की। अगर 5 मिनट्स भी गैस ऑन रह जाए ना, तो घर में इतनी स्मेल फैल जाती है और आपको पता चल जाता है। 50 मिनट तक मेरे घर की गैस ऑन थी, पर हमें पता तक नहीं लगा। 4:50 मैं अपने किचन में गई, देखा चलो कुछ और बनाते हैं। मैं इतना घबरा गई कि मेरी गैस ऑन है, डर। 50 मिनट्स तक गैस ऑन रही, बट उन्होंने कुछ भी नहीं होने दिया। इतनी गुरुजी की कृपा, इतना गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, बस उन्हीं की वजह से। देखा कि गैस जैसे बंद की, मैंने देखा कि गैस के नीचे जैसे पानी की भाप से ना गुरुजी के ओम दर्शन और गुरुजी का फेस दर्शन, ये देखकर इतना हम निश्चिंत हो गए कि गुरुजी ही हमें सेव किया। हमें बचाने के लिए गुरुजी ने गैस को रोक के रखा। कुछ 4 दिन पहले जितना लड़ाई झगड़ा घर में हुआ था, गुरुजी कितना रोई थी कि क्यों हुआ, अब समझ आया कि उन्होंने ये मेरा बड़ा, मतलब एक बड़ी चीज़ काटने के लिए उन्होंने छोटी तकलीफ दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैंने गुरुजी से कभी आंसर नहीं किया कि मेरी लाइफ में ऐसी क्यों प्रॉब्लम आई, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है और आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। बस गुरुजी पे भरोसा रख। अगर आप गुरुजी की शरण में आ गए हो, सरेंडर कर दो खुद को और निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ के साथ। अगर कुछ होगा भी, वो भी अच्छे के लिए होगा। अगर होने वाला है, वो भी अच्छे के लिए होगा। बस निश्चिंत रहो और गुरुजी की शरण में रहो। बहुत सत्संग है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं, मतलब बस डे बाय डे गुरुजी की ब्लेसिंग्स इंक्रीज होती जा रही हैं। और आप संगत का इतना प्यार दिया गुरुजी ने, संगत का इतना प्यार मिला है। हर मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। पहली बार सत्संग शेयर की है, बोल चुक माफ़ करना गुरुजी, आगे भी प्लीज़ बोलने का बख्शना। पहली बार अपना लाइव आके मैंने सत्संग शेयर किया, शुक्राना गुरुजी। लाइव आना आसान नहीं है, बोलना बहुत मुश्किल है, बस ये गुरुजी की कृपा है कि मैं आज अपना सत्संग आपके सामने शेयर कर पाई। जय गुरुजी, संकट जी।